हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ीशान ए डॉट एस पर। उम्मीद करता हूं हमारे सभी साथी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे कैप्सूल की जो अर्थराइटिस या जॉइंट्स पेन में बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसकी पूरी डिटेल में बताऊँगा आपको, और उन लोगों के लिए ख़ास तौर से ये दवा है जिनको शुगर की परेशानी रहती है या डायबिटीज़ है, और जो माजून वगैरह या मीठी चटनी नहीं ले सकते, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये कैप्सूल बनाया गया है। तो इस कैप्सूल के बारे में आपको बताऊंगा कि इसका क्या नाम है और कौन कौन से मर्ज में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन सी दवाएं इसमें शामिल की गई हैं, क्या नुस्खा है इसका जो इसमें दवाएं डाली गई हैं और कैसे बनाया गया है इसको। सारी बात बताने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नई जानकारी के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जिस कैप्सूल की आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये है सूरनजान मुफासिल कैप्सूल। देखिए, सूरनजान मुफासिल कैप्सूल तो नॉर्मली सभी जानते हैं कैप्सूल, और सूरनजान इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें एक दवा है सूरनजान शीरी, वो जुज़े ख़ास या मेन कंटेंट के तौर पर शामिल की गई है। मुफासिल इसलिए कहा गया क्योंकि दोस्तों यूनानी टर्मोलॉजी में जॉइंट्स जो होते हैं उसको मुफासिल कहते हैं, जोड़ों को मुफासिल कहा जाता है, इसलिए इसका नाम सूरनजान मुफासिल कैप्सूल रखा गया। अब बात करें दोस्तों इसमें कौन कौन सी दवाएं शामिल की गई हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सूरनजान शीरी, बरगेसना, जंजबील, जीरा सिया, फिलफिल दराज और असारून, ये सारी दवाएं इसमें शामिल की गई हैं और कैप्सूल बनाया गया है। पैक है, अभी मैं इसको खोल के नहीं दिखा रहा, लेकिन नॉर्मली कैप्सूल की तरह इसको बनाया गया है। अब अगर बात करें इसके फ़ायदे की कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो देखिए दोस्तों, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसका मतलब होता है दाफ़े अमाने इल्तिहाब, मतलब जिस्म में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, दर्द है, तो इस कैप्सूल का हम इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके बाद में इसका अगला जो फंक्शन है वो है दाफ़े दर्द वजाउल मुफासिल, यानी कि जो दर्द है उसको दूर करता है जिस्म का, और ख़ास तौर से वजाउल मुफासिल यानी कि जोड़ों के दर्द को दूर करता है ख़ास तौर से। एक फंक्शन इसका और भी है, जिन लोगों में कब्ज़ की शिकायत रहती है और कब्ज़ के साथ में दर्द रहता है जिस्म के अंदर या जोड़ों में दर्द रहता है, तो ये कब्ज़ को भी दूर करता है। ये दाफ़े कब्ज़ भी है, यानी कि लेग्जेटिव भी है, ये हाथों में नरमी पैदा करके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, मतलब कब्ज़ को ख़त्म करता है। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द या जिस्म के किसी भी तरह के जोड़ों में, छोटे या बड़े जोड़ों में, कंधे में, हाथ पैरों में, कमर में दर्द रहता है, या जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में मसल्स पेन रहता है या मसल्स में दर्द रहता है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। रही बात इसके डोज की, तो दोस्तों इसकी जो डोज है वो एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, दूध के साथ इस्तेमाल करें बेहतर रहेगा, सादा पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, जिन लोगों को गठिया की शिकायत रहती है, अर्थराइटिस की शिकायत है, वो लोग इसका इस्तेमाल करें और इस अर्थराइटिस को दूर करने के लिए ये एक ही कैप्सूल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर इसको लगातार हम 2 से 2.5 महीने इस्तेमाल कर लें तो यकीन मानिए दोस्तों, अर्थराइटिस की शिकायत बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि बहुत सारी मेडिसिन है अर्थराइटिस या गठिया के लिए, हमारी बहुत सारी वीडियो भी हैं इस टॉपिक पर, अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। अर्थराइटिस का कंप्लीट इलाज करके भी हमने एक वीडियो में बताया है कौन कौन सी दवा, कौन सी थेरेपी करने से ये मर्ज ठीक हो सकता है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये कैप्सूल भी दोस्तों किसी दवा से कम नहीं है, यकीन मानिए कि अगर ये कैप्सूल हम लगातार इस्तेमाल कर लें 2-2.5 महीने नियम के हिसाब से और परहेज कर लें, हाजमा सही ठीक रख लें, तो दोस्तों आपके जो जॉइंट्स पेन की शिकायत है या दर्द की जो शिकायत है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फायदेमंद कैप्सूल है और बहुत कामयाब है क्योंकि इसका नुस्खा ही ऐसा है। सूरनजान जो है सभी जानते हैं या बहुत सारे लोग जानते हैं कि सूरनजान जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसकी हब्बे सूरनजान भी बनती है, कैप्सूल सूरनजान मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, माजून सूरनजान भी बनता है, और जितने भी दर्द की जो दवाएँ होती हैं उसमें सूरनजान का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी सूरनजान जो है जुज़े ख़ास या मेन कंटेंट के तौर पर शामिल किया गया है। किसी और तरह की आपको जानकारी लेनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये दवा चाहिए तो आप इसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं,
और जैसा मैंने बताया दोस्तों, वैसे आप इस्तेमाल करें, हाजमे को बेहतर रखें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई डाउट है तो हमसे ज़रूर पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल जवाब देंगे। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिन लोगों को गठिया की शिकायत है या छोटे जोड़ों में दर्द रहता है, तो वो लोग देखने के बाद अगर उनको अच्छा लगे और इस्तेमाल करें इस कैप्सूल को, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, दूसरों को इसकी जानकारी ज़रूर दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपने लाइक भी कर दिया होगा, कमेंट्स भी करेंगे, आप ज़रूर बताएंगे कैसा लगा, और शेयर भी करेंगे। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और एक बात और दोस्तों, किसी भी तरह की आप यूनानी दवा या कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें, या आप हमसे भी मशवरा कर सकते हैं, उसके बाद इस्तेमाल कराएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। इसकी MRP में बता दूं दोस्तों तो 125 रुपये है, 26 कैप्सूल है। तो पूरी जानकारी हो गई, फिर किसी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।